दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि अभी तक नहीं पहुंची है किसानों के खातों में। प्रदेश के 7,29,000 किसानों के खातों में पीएम किसान निधि की राशि नहीं पहुंची है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि शिवराज जी, अब समय आ गया है जब मध्य प्रदेश की जनता को इंसाफ दिया जाना चाहिए। आपकी ओर से कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान मृत सभी लोगों को सरकार की ओर से वास्तविक आंकड़ों के आधार पर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि उनको राहत मिल सके। अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ऐलान किया था कि जो भी व्यक्ति कोरोना से मरा है या कोरोना से मृत पाया गया है उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, चाहे वो बच्चे हो या फिर उनके पालकगण हो। तो इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान पर पूर्व सीएम कमलनाथ आए दिन निशाना साध रहे हैं। और लाजमी बात भी है, विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार पर निशाना साधे जिसमें जनता की भलाई होती है। वहीं मध्य प्रदेश के 7 लाख किसानों के खातों में नहीं पहुंची है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। क्या वजह है अभी तक नहीं पहुंची है? मध्य प्रदेश में हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए की 7वीं किस्त ट्रांसफ़र की गई थी। यह राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई थी, लेकिन प्रदेश के 7,29,000 किसानों के खातों में अभी तक पीएम किसान निधि के 2,000 रुपए नहीं पहुंचे हैं। अधिकारी लोग कारण बता रहे हैं कि ट्रांजेक्शन फेल हो गया। अनुमान है कि पटवारी से खाता नंबर लिखने में गलती हो गई या फिर आधार कार्ड में आई तकनीकी की दिक्कत के कारण अभी तक किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुँचा। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि खाते में नहीं आने की वजह से लाखों किसान अभी भी परेशान हैं। यह दिक्कत मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश के दूसरे अन्य राज्यों में भी हो रही है। यह आंकड़ा कुल रजिस्ट्रेशन का 9% है, जो देश भर में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण वह दूसरे नंबर पर है और मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। अर्थात मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा 7,29,000 किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त नहीं पहुंची है। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी किसानों के खातों में अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं पहुंची है। यह दिक्कत शायद इसलिए भी हुई होगी क्योंकि पटवारी ने खसरा कतौनी की जानकारी गलत दी या फिर वेरीफिकेशन में लापरवाही की है। इसके अलावा भी किसानों के आधार कार्ड और बैंक खातों की जानकारी भी पूरी नहीं दी गई है। अब इन समस्याओं के कारण किसानों को दिक्कतें हो रही है। अब किसान तहसील और जिला प्रशासन के पास अपनी बाकी राशि लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं। प्रदेश भर के ऐसे लाखों किसान हैं जिनके खातों में अभी तक यह राशि नहीं पहुंची है। तो इस प्रकार से किसान परेशान हैं। अब इसका हल कैसे निकलेगा यह तो अधिकारी बताएंगे। जो राशि केंद्र सरकार द्वारा रिलीज हो गई है उस राशि को अधिकारी हल कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों के खातों को अपडेट करके, किसानों के खातों को सुधार करके, तब वह अटकी हुई राशि किसानों के खातों में आ सकती है। वहीं 26 जून को देश भर में प्रदर्शन करेगा किसान संयुक्त मोर्चा। हर राज्य में राजभवन का घेराव करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को 26 जून को 7 माह पूरे हो जाएंगे। इस पर किसान नेताओं ने एक बार फिर से किसान आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। आंदोलन को 7 महीने पूरे होने के मौके पर आंदोलनकारी किसान 26 जून को देश भर में राजभवन का घेराव करेंगे, ऐसा किसान नेताओं ने ऐलान किया है। संबंधित राज्यों में राज्यपालों के अधिकारियों आवासों के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन कृषि बिल को लेकर के है। 3 कृषि बिल केंद्र सरकार ने बनाए थे, किसानों का विरोध था कि ये तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं। ये तीनों बिल किसानों के हित में नहीं है और किसानों की जो मांग है उसे पूरी करना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर, कृषि बिल वापसी को लेकर किसानों ने आज पिछले 7 महीने से आंदोलन किया है। अब वह मंद पड़ा आंदोलन किसान पुनः 26 जून को एक बार फिर एक्टिव करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि 26 जून को यह आंदोलन कितना प्रभावी होता है। वहीं अगली जानकारी है, सिंधिया को मिल सकती है रेलवे की कमान। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द होगा। भाजपा में शामिल होने के 15 महीने के बाद मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद जगी है। मध्य प्रदेश को फिर मिलेगी खुशखबरी। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश से एक और मंत्री शामिल करना चाहती है अपने मंत्रालय में, तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 15 महीनों से बीजेपी में शामिल हुए हैं। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं। राज्यसभा सांसद को फिर से कैबिनेट में
मंत्रालय दिया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे उस समय मनमोहन सरकार में टेलीकॉम आईटी मंत्री थे, इंडस्ट्रीज मंत्री थे, कॉमर्स जैसे मंत्रालय संभाल चुके थे। वे अच्छे वक्ता हैं, अच्छे नेता हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। भाजपा में आने के बाद मध्य प्रदेश के चहेते हो गए हैं। अब उन्हें कैबिनेट में अर्थात केंद्र सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले साल मार्च में कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा जल्दी बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश को भी एक बड़ा तोहफा मिलेगा। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। मोदी सरकार दो के दो साल पूरे होने के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की थी। इसके बाद सिंधिया समर्थक दावा कर रहे हैं कि उनके नेता को जल्द ही टीम मोदी में जगह मिलने वाली है और मंत्रालय भी अच्छा दिया जाएगा। सिंधिया समर्थक के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सिंधिया को रेलवे की कमान मिल सकती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें शहरी विकास मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी दिया जा सकता है। ये तीनों मंत्रालय बहुत अहम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा में उन्हें 15 महीने हो चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने जो उनसे वादा किया था, इससे साफ स्पष्ट होता है कि वह अब वादा पूरा किया जा रहा है। तो यह पूरी चर्चा दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक है और मध्य प्रदेश के लिए भी खुशी की बात है कि एक और अहम मंत्रालय मध्य प्रदेश में आने वाला है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस महंगाई को लेकर के बड़ा बयान दिया है, बड़ी बात कही है। तो चलिए सुनते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाइव। पेट्रोल डीजल को लेकर पूरे देश जो लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं वो तो आपत्ति में भी मुद्दा ढूंढ रहे हैं। ये कांग्रेस की स्थिति हो गई है। जिस पार्टी को वो जो अपने आप को कहती है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, विकास और प्रगति में भाग लिया, जब विश्व स्तर की आपत्ति आई है, जिस स्तर की राजनीति आज कांग्रेस कर रही है, पहले जो वैक्सीन की अफवाहें उठाई कि भारतीय वैक्सीन ठीक नहीं है, मत नहीं लेने का है, रिएक्शन होगा, आज वही पार्टी कह रही है कि जल्द से जल्द ऑर्डर करवाइए। ये चट भी मेरी पट भी मेरी कांग्रेस की कब तक चलती रहेगी? और देश की जनता जब संकट में है तब भी संकट में राजनीति करना, मैं समझता हूँ इससे निम्न स्थिति नहीं है। महंगाई को लेकर आपका क्या रुख? चाहे महंगाई देखो, राष्ट्र स्तर पर वर्तमान में आर्थिक मुद्दा विश्व स्तर पर आज आसीन हो चुका है। विश्व का कोई देश भी इस संकट से दूर नहीं है, हर देश जूझ रहा है। भारत में रिकवरी हुई है, पर उसके बाद दूसरी लहर आई, उसके बाद भी धीरे धीरे रिकवरी हमारी होगी अवश्य। महंगाई अगर हुई भी तो वो 2-3 महीने के लिए शायद रहेगी, उसके बाद उस पर नियंत्रण भी हम। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय।